कौन से पड़ाव थे जो आपने पार किए, वो कौन से स्टेजेस थे? सीढ़ी वाले थे तो उधर खड़े होकर मैंने उनसे ये कहा कि आप काइंडली मुझे ग्लव्स दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे ग्लव्स नहीं दिए। बड़ी टफ सिचुएशन होती थी, मैं बाइक पर जा रहा था, कॉल सेंटर में जा रहा था, कठिन रास्ता था, लेकिन फादर की डेथ के बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे चाचा को। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसे नौजवान के पास मौजूद हूं जिसने लोअर मिडिल क्लास जिंदगी गुजारी। जब ये 5 साल के थे तो इनके वालिद की डेथ होगी, उसके बाद ये अपने चाचा के पास रहे हैं। एक कमरे का घर था और वहां ये अपनी जिंदगी जो है वो गुजर बसर कर रहे थे, जिन हालात में भी कर रहे थे। बड़े मुश्किल हालात देखे इन्होंने, खाली जेब का कुर्ब महसूस भी किया, लेकिन आज माशाल्लाह अल्लाह की रजा से ये करोड़पति हो चुके हैं और बहुत कम उम्र में। पाकिस्तान के ये वो वाहिद नौजवान है जो 31 साल की उम्र में माशाल्लाह करोड़ों को, बल्कि ये की तरफ जा रहे हैं और टच कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह साहब, इनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी उस बारे में जानेंगे, ताकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, गिव अप कर जाते हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मुश्किलात देखी जब 5 साल की उम्र में आपके वालिद का साया सर पे ना रहे, उससे बड़ी मुश्किल कोई नहीं होती, और फिर आप अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं और आपने स्ट्रगल करनी है। इन्होंने स्कॉलरशिप में अपनी स्टडी की है, पैसे नहीं थे और स्कॉलरशिप के साथ यहां तक पहुंचे, तक पहुंचे। बहुत लंबा एक पीरियड था जब मुश्किलात होती हैं, जब वो गम वाला पीरियड होता है तो वो बहुत ही साल भी कई सालों पर मुहित होते हैं, और जब खुशी होती है तो वो साल कई हफ्तों पर मुहित होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन हम इनसे जाने के, हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह साहब जो 31 साल की उम्र में पाकिस्तान के बाहर नौजवान है जो इतनी कम उम्र में करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताएं कि किस तरह जब वालिद की डेथ हुई और वो जो फेस था और उसके बाद क्या स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुंचते हुए, वो कौन से पड़ाव थे जो आपने पार किए, वो कौन सी स्टेजेस थी, किस तरह यहाँ तक पहुंचे? जैन भाई, बड़ा कठिन रास्ता था, लेकिन फादर की डेथ के बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे चाचा को, वो एक कस्बा में थे, अकाड़ा के पास हवेली लखा है, उधर हमें ले गए। तो हमने अपना जो मेरी स्टडी का आगाज था वहीं से फिर किया। उसके बाद स्टडी पे फोकस था काफी अच्छी तालीम के लिए, FC यूनिवर्सिटी आगे, और यहाँ से MBA करने के बाद फिर मुश्किलात का बड़ा एक सामना करना पड़ा। जो FC में जब आप आए तो क्या पैसे थे आपके पास, फीसिस थी, स्कॉलरशिप थी, क्या सीन था? जैन भाई, वो ऐसे होता है कि मेरिट मेरा था, लेकिन उसकी फीस देने के लिए आपको ना टैलेंट स्कॉलरशिप में अपीयर होना पड़ता है। तो एक जो सेमेस्टर की फीस थी वो तो अरेंज कर ली थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे US स्कॉलरशिप जो है वो मिल गई थी, तो फिर मैं अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सका। उसके बाद फिर ये था कि बड़ी मुश्किल से मैंने पार्ट टाइम कॉल सेंटर में काम करना, उसके बाद अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना, अपनी सारी चीजों को देखना, बड़ी टफ सिचुएशन होती थी। मतलब ये कि आप दिन में यूनिवर्सिटी हो और रात को आप कॉल सेंटर में हो, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है और आप नेक्स्ट डे क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, दैट वाज अ टफ टाइम। लेकिन फिर भी वही बात है ना कि अगर आप कोशिश और हिम्मत का दामन हाथ से ना छोड़ें तो चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जब स्ट्रगलिंग पीरियड आपका गुजर रहा था, कॉल सेंटर से आप यूनिवर्सिटी जाते थे, या कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी तक वो याद हो, जो दिल को छू गया हो और वो बात अभी तक याद है? हाँ, मुझे एक वाकया जो है वो मुझे बड़ा याद है। बेसिकली इसी तरह जैसे अब सर्दी है, सर्दियों की शाम थी दिसंबर की, मैं बाइक पर जा रहा था,
कॉल सेंटर में जा रहा था। तो रात की शिफ्ट होती है, आपको पता है रात में शिफ्ट होती है और डे में वो ऑफ होती है, क्योंकि हमने बाहर की कंट्रीज में वो कॉलिंग वगैरह करनी होती है। तो मैंने जब बाइक निकाली है ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई ग्लव्स वगैरह या कोई ऐसी चीज जो है वो ले सकूं। मैंने एक रेडी वाले थे तो उधर खड़े होकर मैंने उनसे ये कहा कि आप काइंडली मुझे ग्लव्स दे दें। तो उन्होंने आगे बड़े मजायका खेज अंदाज में कहा कि जा भाई तेरे वर्गे बड़े वेखे। तो मतलब वो मुझे बड़ी एक पैसे, आपने कहा मैं उधार उधार था। मैंने कहा कि मैं आपको, मुझे सैलरी मिलनी थी 29-30 तारीख थी यकम को, तो या दो को सैलरी मिल जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे ग्लव्स नहीं दिए। मेरे मतलब मुझे बड़ी, मेरे लिए तकलीफ दे बात थी। मुझे अगले दिन जब सैलरी मिली तो मैं वापस उस रेडी वाले के पास गया और मैंने उसको 2,000 रुपए दिए और मैंने उसको ये बोला कि अगर आपसे कोई भी ग्लव्स मांगे ना अपनी जिंदगी में तो उसको आप इनकार ना कीजिएगा। तो थोड़ा सा वो आगे से शर्मिंदा हुए, लेकिन मेरा मतलब उनको शर्मिंदा करना नहीं था, मतलब ये था कि अगर इस जरूरत के तहत या इस तकलीफ में अगर कोई आता है तो आपको उसको एंटरटेन कर देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उधार मांगा तो वो एक टाइम भी आपके ऊपर था। फिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था, आपने जॉब्स कहाँ कहाँ की, कॉल सेंटर के बाद कहाँ गए, कहीं रिजेक्शंस भी हुई आपको के बाद सीधा बस जॉब पे जॉब मिलती गई, क्या सीन था? नहीं ऐसा तो नहीं था, मतलब जब आप स्टडी फेज में होते हो तो आपकी हमेशा से ही कोशिश होती है कि यू शुड बी द पार्ट ऑफ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और आप कोई ऐसी जो है फर्म का हिस्सा बने जहाँ पर आपकी रेप्यूटेशन भी हो, आपका पैकेज भी अच्छा हो। तो आई वॉज सीकिंग फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी, लाइक मैं ये सोच रहा था कि मुझे भी कोई इस तरह और मिले। मैं आई वाज वर्किंग इन अ बैकर्स कंसल्टिंग, दैट वाज अ वेल नोन कंपनी। उसके बाद वहां पर वो एक जो थी कैंपेन क्लोज होगी, फिर मैंने अप्लाई किया टीआरजी में, द रिसोर्स ग्रुप इज वन ऑफ द लीडिंग फर्म इन पाकिस्तान। वहां पर मैंने अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया। उसके बाद अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे शदीद बुखार हुआ, आई कुडंट इन्फॉर्म टू द कंपनी। जब अपने ट्रेनिंग पीरियड के बाद उधर गया तो उन्होंने कहा कि भाई जान अब हम आपको जॉब नहीं दे सकते, हमने तो ऑलरेडी सेशन जो है वो ऑन फ्लोर कर दिया। यानी कि उस टाइम पीरियड में आपके पास कोई और जॉब नहीं थी और कुछ ऐसा वसीला नहीं था, आप जीरो थे जब उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी स्टडीज के साथ जब अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहा था तो मैं अपने सारे लिविंगहुड एक्सपेंसेस यहीं से पूरे करता था। तो जब उन्होंने अचानक ही मुझे मतलब इसका कह दिया कि नहीं जी हमारे पास जगह नहीं है, तो आप मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, तो हमने जो आपका ट्रेनिंग सेशन है वो ऑन फ्लोर कर दिया हुआ है, तो वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर था मेरे लिए। मतलब एक इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिलना, वो आपके लिए ये होता है कि यार मुझे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब मिल गई है उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपका कैरियर जो है वो स्मूथ हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन वहां से मुझे निकाल दिया गया। फिर वही बड़ी एक तकलीफ दे बात थी, क्या करना है कैसे करना है। तो ये एक बहुत मेरे लिए जो था वो सैड लम्हा था, मैं ये कह सकता हूँ। जब आपको वो कंपनी से निकाल दिया गया, आपके पास कुछ नहीं था और आप खुद हैरान थे कि मैं बीमार हुआ हूँ और क्या हो गया, मेरे एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपको और वो भी गई चली हाथ से, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जॉब सर्चिंग में था, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, देख रहा था कि कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या मैं कर लूँ। फिर मुझे अचानक, मेरा एक दोस्त है वो एक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, यूएस बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ पर वो जॉब कर रहा था, तो मेरी उसके साथ एक पॉइंट पे मुलाकात हुई, पेट्रोल पंप पे हम दोनों मिले। तो उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। उसने कहा कि व्हाई डोंट यू इंटरव्यू इन माय कंपनी, लाइक ही इज वर्किंग विद द यूएस कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी। मैंने कहा कि ठीक है मैं उधर ट्राई देता हूँ। तो फिर वो टाइमिंग को हमने सेटअप किया तो मैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गया। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है कि एक बंदा जो एक अच्छी वेल रिनॉर्ड कंपनी में काम कर चुका हो तो उसके बाद वो एक ऐसे सेटअप पे जाए, वहां पर वो जो मेरा दोस्त था वो किचन के पास बैठ कर डायलिंग कर रहा था यूएस क्लाइंट्स को। एक घर में एक ऑफिस था, छोटा सा घर था और मतलब 5-7 एम्प्लॉयज बैठे हुए थे। जब मैंने उसको देखा, मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये था कि यार बताओ यहाँ सैलरी मिलती है? तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप डर रहता है तो उसने कहा कि यार हाँ बिल्कुल सैलरी मिलती है, यू डू नॉट नीड टू बी वरी अबाउट इट। मुझे फिर भी यकीन ना आया तो उसने फिर मुझे ना अपने चेक्स दिखाए, तो फिर मैंने कहा कि नहीं वाकई वहाँ पर सैलरी मिलती है। मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, उस कंपनी में मैं मतलब हायर हो गया। शॉर्ट स्टोरी ये है कि उस कंपनी को जैन भाई हम 7-8 एम्प्लॉयज से लेकर 60 पर ले गए। जब मैं आया मैंने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए, इनकलाबी चेंजेस किए। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंपनी जो थी पहले सिर्फ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस को डील करती थी यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद फिर मैंने उसमें कुछ न्यू एवेन्यूज
तलाश किए, मैंने उनको कहा कि यू शुड फोकस ऑन द डिफरेंट एवेन्यूज एज वेल, मतलब आपको कमर्शियल वाली साइड पर भी मूव करना चाहिए। वो पहले वो एक लीड्स होती थी, उनपे वो सिर्फ दो टाइप की कंपनीज को डायल करते थे, फिर मैंने उसमें कोई और टाइप्स ऐड की। तो कंपनी का स्ट्रक्चर जो था वो हम बहुत कम से बड़ी अच्छी जगह पर ले गए। हम टेलिंग यू लाइक वहां पर पहले थे कोई 7-8 इम्प्लॉयज थे, फिर हम 60-70 पर ले गए। उसकी लोकेशन को हमने चेंज किया, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में हमने एक बहुत अच्छा ऑफिस सेटअप किया और वहां पर हमने जो है उसको स्टार्टअप दे दिया उस कंपनी को। उस कंपनी को अब ये है कि छोड़ने का मकसद क्या था या क्यों हमने क्विट किया। बेसिकली जब आपने उनको इतना अच्छा ग्रो करके, इतना सेटअप क्रिएट करके, फिर मैंने उनसे कहा कि आपको एटलीस्ट यू हैव टू गिव मी लाइक 3-5% फ्रॉम द प्रॉफिट। आई डोंट वांट टू वर्क ऑन अ सैलरी। लाइक वी हैड इनहैंस्ड द कंपनी फ्रॉम वेरी मिनिमम लेवल टू द मैक्सिमम, तो आपको मुझे कुछ के अकॉर्डिंगली कुछ कंपनसेट करना चाहिए। उन्होंने फिर उसको एग्री नहीं किया। बीइंग पाकिस्तानी हमारी ये एक मेंटालिटी है कि वी डजंट वांट टू ग्रो द अदर पर्सन, राइट। तो इस वजह से जब उनसे ये मैंने डिमांड की, उन्होंने कहा कि नहीं है। उनकी बहुत अच्छी ऑफर्स थी, दे वांटेड टू गिव मी अ हाउस, दे वांटेड टू गिव मी अ कार, ये सारी चीजें, बट आई डिडंट साइन एन एग्रीमेंट विद देम। मैं ये चाहता था कि मैं आपके दुख का भी साथी बनूं और सुख का भी साथी बनूं, मतलब अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो हम भी ग्रो करें, अगर आप खुदा ना खास्ता लॉस में है तो हम भी लॉस में जाएं। मतलब एक आप जब पार्टनर्स होते हो तो फिर आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के जो जब है, आपने ये डिमांड की तब क्या अल्टरनेट में कुछ था, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी बड़ी, या आपको मतलब उस वक्त यही था कि बस यही है, इसके बाद एंड ही है, फिर जीरो से शुरू था? नहीं, उस वक्त सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन ये खेल दिया था आपने रिस्क वाला। ये जरूर था कि मैंने कहा कि यार अगर हम इनको मतलब इतना कंपनी को इतना ग्रो कर सकते हैं तो इफ वी गोना एफर्ट फॉर आवरसेल्फ सो वी कैन गेट अ बेटर पोजीशन, मतलब ये इस चीज का दिल को था के अगर तो वो मान जाए तो ठीक है, वेल अनफ, हम उसको मैक्सिमम ग्रो करते। होता वही है, जो किस्मत में उनके साथ बात नहीं बन सकी और हमारे लिए भी ये बेहतर था। क्विट कर दिया मैंने उसके बाद, फिर आप जीरो पे आ गए, कोई जॉब नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। फिर क्या सीन हुआ फिर यहाँ तक? फिर वहां से आपको ये बताता हूँ कि रेंट का घर था वहां पर, मैं चूल्हे के पास बैठ के डायलिंग करता था। मतलब मैंने एक वॉनेज का फोन लिया और वो डायल करके आई वॉज ट्राइंग टू सर्च द न्यू क्लाइंट्स, लाइक द वे वी आर एंटरटेनिंग द प्रीवियस कंपनी, उसी तरह की कोई और कंपनीज मिले सो वी कैन वर्क विद देम। अल्लाह ने हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश रखी हुई है, उसको हमें मैक्सिमम लेवल तक करना चाहिए। देखें, होना ना होना ये तो खुदा की तरफ से आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन अ मंथ आई फाइंड अ कंपनी दैट गिव मी अ गुड स्टार्ट। उसने कहा कि ठीक है, वी आर विलिंग टू वर्क विद यू। फिर मैं अपने घर से बैठकर उनके लिए काम करता था। फिर इस तरह एक कंपनी से मुझे दो कंपनीज मिली, फिर तीन मिली, फिर चार मिली, फिर इस तरह सिलसिला चलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने अपना एक सेटअप क्रिएट किया और इस टाइम हमारे पास 3 सेटअप्स हैं। माशाल्लाह। असना भाई, आपकी शादी स्ट्रगलिंग पीरियड में हुई या बाद में जब सेटल हो गए थे? यार नहीं, ये मेरी शादी बड़ी अर्ली स्टेज में हो गई थी, मतलब लव मैरिज थी। हाँ, लव मैरिज थी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब तब अभी स्ट्रगल शुरू की, स्ट्रगल जारी थी, उसी दौरान जो है वो मेरी शादी भी होगी। फिर दो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं उसमें, फिर ये था हर मुश्किल वक्त में बीवी आपके साथ थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, हर खुशी गमी में मेरे साथ खड़ी रही हैं और मेरी ढारस बनकर खड़ी रही हैं। आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू माय वाइफ एंड माय होल फैमिली, दे सपोर्टेड मी वेल। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात सच है कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी औरत का हाथ है या ज्यादा खवातीन का हाथ है? नहीं, मेरे ख्याल से एक ही औरत का हाथ है, ज्यादा खवातीन का हाथ तो नहीं है। मैं बल्कि ये क्रेडिट अपनी माँ को भी दूंगा और अपनी बीवी को भी दूंगा, क्योंकि माँ की दुआओं के बगैर भी आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है और बीवी की पोर्ट के बगैर भी आपकी नहीं है। आपको दोनों रिश्तों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है, तो अगर आप पैरेलल लेके चलते हैं तो फिर ही चीजें जो है वो बेहतरीन। खूबसूरत बात है कि आपके अर्ली स्टेज पे शादी हुई और उसके बाद वो स्ट्रगल जारी रही है और उस स्ट्रगल के बाद आज ये ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है, तो बड़ी खुशी भी हो रही होती है और एक प्राउड मोमेंट भी होता है। जब आप वहां से यहाँ आते हैं तो वो जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं ना, तो वो एक एक सीढ़ी के ऊपर क्या टाइम, कितना टाइम लगता है, और उसके बाद फिर आप यहाँ तक पहुंचते, तो वो वाकई बड़ी खुशी का लम्हा होता है। और इंशाल्लाह ऐसी खुशियां आपको मिलती रहे। अब मुझे कंपनी के बारे में बताएं, आपकी
कंपनी का नाम क्या है जिसके बाद आप छा गए और वो कंस्ट्रक्शन क्या मतलब वहाँ मिस्त्री भेजते हैं आप खुद, क्या मतलब सीन है? नहीं, बेसिकली जैन भाई होता ये है कि हमारा एक मुआशरा जो है ना वो जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है ना उसके पीछे भाग पड़ता है। मतलब अब सारे जो है अमेज़न की वो है, हालांकि दुनिया में सिर्फ अमेज़न की ही बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन हजारों लाखों टाइप का बिजनेस है। मतलब हमारी डोमेन जो है वो कंस्ट्रक्शन आउटसोर्सिंग की है, जिसमें आपका टेक्निकल स्टाफ जो है ना यहाँ से बैठ कर एक रीजनेबल सैलरी या एक रीजनेबल इनकम जनरेट कर सकता है, जिसमें आपके इंजीनियर्स शामिल हैं, आपके आर्किटेक्ट्स शामिल हैं। इंजीनियरिंग में हर कैटेगरी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। देखें, जिस तरह इंसान को बुनियादी जरूरतें हैं, दुनिया में हर चीज की जरूरत है। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, घर बनवाना है, तो उसमें कितने किस्म की इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो आप अपनी स्किल कहीं पर भी बेच सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी आप आईटी के जरिए। तो हमारा भी मॉडल इसी तरह से है, हम यहां से बैठकर यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी देते हैं। हमने अपना टेक्निकल स्टाफ जो है उसको आउटसोर्स किया हुआ है। पहले उनके स्टैंडर्ड की स्किल्स को सीखते हैं, उनको किस पैरामीटर्स में सर्विसेज चाहिए, वी लर्न दैट पैरामीटर्स, उसके बाद हम जो है उनको अपनी सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो कंपनी का नाम भी बता दें, ये भी बता दें कि अभी क्या क्या मतलब उस कंपनी के थ्रू अभी तक क्या क्या कंस्ट्रक्शन में आप कर चुके हैं, बड़ा बहुत कुछ हो मतलब आप समझ रहे हो। हमारी कंपनी का नाम कंस्ट्रक्ट पीपीओ है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस देते हैं, हम कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शंस की क्वांटिफिकेशंस करते हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये चार कैटेगरीज हैं, इनको मैं सादा अल्फाज में अगर डिफाइन करूं तो ये है कि अगर आपने घर बनवाना है तो हम आपको घर का डिजाइन बना देंगे, आपने प्लाजा बनवाना है हम आपको प्लाजे का डिजाइन, उसकी क्वांटिफिकेशन, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो यहां से बैठकर टीम उसके फेजेस को डिजाइन कर देगी। काम आपका वहीं पर हो रहा है लेकिन उसकी सारी मॉनिटरिंग, स्केड्यूलिंग वो हम यहाँ पर बैठकर करते हैं। तो अभी तक क्या डिजाइन किया है? आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 3 फ्लोर डिजाइन किए हैं। अरे वाह, हमने वो नौजवान यूएस में बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके हमने आर्मी बेसिस के डिजाइन्स किए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था न्यूयॉर्क के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग है, उसको हमने क्वांटिफाई किया है। तो मतलब इस तरह के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक कर चुके हैं, सैकड़ों से भी शायद ज्यादा होंगे जो हम कर चुके हैं, एंड दे आर प्रीटी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। इवन कि अगर मैं आपको अपने क्लाइंट्स का फीडबैक दूं, दे ऑलवेज एडमायर आवर सर्विसेज बिकॉज वी आर मीटिंग विद देयर स्टैंडर्ड्स और हम उनकी बिल्कुल एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है चीजें जो है वो प्रोसीड करते हैं। शानदार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 3 फ्लोर इन्होंने डिजाइन किया है और वो भी पाकिस्तान में बैठ के, यानी कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की जो अगर टैलेंट की बात की जाए तो सनाउल्लाह एक नई उम्मीद भी है उन नौजवानों के लिए भी जो ये समझ रहे हैं कि हम शायद उन तक नहीं पहुंच सकते। सैयद अहमद साहब की मुझे वो बात याद आती है कि जब वो हमारी कौम के पास आए थे तो वो ये कह रहे थे कि हमें इंग्लिश को पढ़ना है, सीखना है। तो तब उस वक्त जो एक टिपिकल सिचुएशन थी उसमें फतवे भी लग रहे थे, लेकिन वो बात तब उन्होंने बहुत अच्छी की थी कि अगर हम ये सब करेंगे, उनकी जुबान को सीखेंगे, तो तब भी जाके हम उनके साथ बिजनेस भी कर सकेंगे, उनके बराबर जाके हम उस तरह के काम भी कर सकेंगे। सनाउल्लाह भाई ने भी इसी तरह चीजों को जारी रखा, गिव अप नहीं किया। सनाउल्लाह भाई अभी कितने ऑफिसेज हैं आपके और कहाँ कहाँ लाहौर के अंदर है, और जॉब्स के वाले से जो नौजवान जो अभी स्ट्रगल में है, क्योंकि आप ग्राउंड से ऊपर तक आए हैं और आप अच्छे इंसान भी हैं सनाउल्लाह भाई, क्योंकि जब बंदा ग्राउंड से ऊपर आता है तो उसने वो सारा कुछ देखा होता है, तो जब वो कोई बंदा उसके पास आ रहा होता है ना जरूरतमंद के बिल्कुल वाकई उसके अंदर टैलेंट भी है, स्किल्स भी है, तो वो उसको परख लेता है और फिर उसको वो तराशना शुरू कर देता है क्योंकि वो खुद तराश के ऊपर आया होता है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद है। जॉब्स के हवाले से क्या सीन है, आप जॉब्स आपके ऑफिस कितने हैं, अगर कोई जॉब करना चाहे आपको मशवरा देना चाहे इस तरह के बिजनेस का तो उस हवाले से बताएं। जैन भाई बेसिकली बात यह है कि हमारे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऑफिस हैं, एक सेटअप इस्लामाबाद में है, 2 सेटअप हमारे लाहौर में है। हमारा ऑल टाइम जो सीवीज का पोर्टफोलियो है वो ओपन रहता है, हम टैलेंट की कदर करते हैं, कोई रियल टैलेंट है या हमारा बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं कि हम स्टडी एक्सपेंसेस भी अपने एम्प्लॉयज का खुद मीट करते हैं। मतलब एक बच्चा पढ़ रहा है साथ में वो जॉब कर रहा है तो उसकी स्टडीज
की जो एक्सपेंसेस हैं वो एक सर्टन लिमिट्स हैं, वो हमने डिफाइन की हुई हैं, वो हम उसको एंटरटेन करते हैं। हमारे ऑफिस में एक वक्त का खाना, वो हम गूगल को फॉलो जरा करते हैं तो कहते हैं कि एक वक्त का हाइजेनिक खाना जो है हम अपने ऑफिस में अपने सब एम्प्लॉयज को देते हैं, ताकि कोई हॉस्टलाइट है या कोई बाहर से आए हैं एटलीस्ट एक वक्त वो अपना जो है मील जो है वो साफ सुथरा ऑफिस में बाइज्जत तरीके से उनको मिले, ताकि उनकी बाइंडिंग या उनकी लॉयलिटी जो है वो कंपनीज की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब उसके अलावा उनके हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं, हम उनके टूर्स अरेंज करते हैं, एनुअली ट्रिप्स होते हैं, बाय एनुअल ट्रिप्स होते हैं, उनकी हर एक एम्प्लॉय की हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती है और वो कंपनी ने करनी होती है। मतलब ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास काम करे वो एक अच्छे एनवायरमेंट की पादाश में रहे। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उसके लिए जितना हमारा कंपनी का स्केल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं, हमारा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और दूसरा पार्ट आपका ये था कि अगर कोई इस तरह की फील्ड में आना चाहता है या अपने आप से वो काम करना चाहता है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के अगर कोई 30 भी अमीर तरीन उठा के देख लें तो उनका एक ही बिजनेस होगा और वो आईटी है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं। आईटी एक ऐसी फील्ड है, आप घर में बैठकर लाखों भी कमा सकते हैं। मतलब आपके अंदर कोई स्किल है तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो बात है ना कि एक प्लान हम करते हैं, एक प्लान अल्लाह करता है, तो हो सकता है अल्लाह ने बहुत बेहतर प्लान किया हो आपके लिए। जैसे अब मेरी एग्जांपल ले लें कि मैं टीआरजी जैसी कंपनी को जब मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरे दिल में था कि यार बस मेरा तो कैरियर खत्म हुआ है, मेरा कैरियर एंड हो चुका है, मुझे तो मतलब इस लेवल की अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर प्लान किया हुआ था। नाउ आई रियलाइज कि मेरा उस वक्त पे छोड़ना और इस सारे सेगमेंट्स का लम्हा बलम्हा इकट्ठे होना ये एक मेरे ऊपर खुदा की रहमत थी। तो मैं कोशिश करता रहा, रुका नहीं मैं, मतलब मैं उस फेज में लगा रहा। तो हमारी नौजवान नस्ल को इस साइड पर आना चाहिए, उनको आईटी के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और अपने लोहे को दुनिया में मनवाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जो स्किल है वो किसी सर्टन बॉर्डर्स तक लिमिटाइज है। आप हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है किसी गोरे के अंदर भी ना हो, और है ऐसी। हमारे यहाँ पर एक ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो क्वांटिफाई करते हैं या चीजों को करते हैं तो गोरा परेशान हो जाता है, वो कहता है यार ये कमाल की चीज है। मतलब हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हम एक टाइम आता है जिस पे हम गिव अप कर जाते हैं, हम कहते हैं कि बस अब जो हो गया हम खत्म हो रहे हैं, हम ये सोचते हैं हम मुल्क छोड़ के बस भागें, हम जाएं यूरोप जाएं यूएस जाएं। हालांकि यूरोप या यूएस में अगर आपने $7,000-$8,000 कमाया तो आपने लगाना भी वहां पर $7,000-$8,000 है। कंपैरेटिवली अगर आप यहां पर $3,000-$4,000 भी कमा लेंगे ना तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड वहां से बहुत बेहतर होगा। यहां पर जो फैसिलिटीज जो चीजें आपको पाकिस्तान में मुहैया होती हैं वो यूरोप में या यूएस में कनाडा में आपको नहीं मिल सकती हैं। तो आपको यहां पर बैठकर अपनी स्किल बेचनी चाहिए, आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए ताकि आप अपने आप को उस मार्केट में बेच सको जहां पर आपको बेहतर कीमत मिले। अपने आप को बेचना भी ये भी किसी हुनर से कम नहीं है। इन्होंने एमबीए किया हुआ है, बिजनेस मार्केटिंग है, और जाहिर सी बात है कि जिसको अपना आप बेचना आ गया ना सही तरह से वो कामयाब है। और इसी तरह सनाउल्ला भाई ने जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से अपने स्किल्स को बेचा है और आज माशाल्लाह इस मुकाम पे है। और मेरे उन तमाम नौजवानों से गुजारिश है जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि महंगाई भी एक मसला है और उसके बाद बेरोजगारी भी एक मसला है, लेकिन हमारा कुछ जो एज अ पाकिस्तानी बल्कि बरसगीर के अंदर बाकी सारे नौजवान ये सोचते हैं कि हमें किसी के अंदर काम करना ज्यादा अच्छा कि हम जॉब मिल जाए कहीं ना कहीं, लेकिन जब वो हमारे अंदर जो चीज होती है तो वो कोई नहीं देखता। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छा कटिंग करने वाला होता है ना, या आपके कपड़े सीने वाला अच्छा टेलर या कोई मैकेनिक, अगर वो अपने हुनर के अंदर शानदार है ना तो बहुत बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी और बड़े से बड़ा अमीर बंदा भी उसी के पास जाएगा, उस मैकेनिक के पास, के यार वो अच्छा उस्ताद है गाड़ियों का। यानी कि अगर कोई अच्छा बाल काटने वाला ना तो बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी उसी के पास जाएगा, यार वो कटिंग अच्छी करता है। यानी कि आप अपने हुनर के अंदर इतने कामयाब हो जाए, इतने बादशाह बन जाए, आपको सिर्फ हुनर अपना बेहतर करना, आपके अंदर जो क्वालिटीज है सनाउल्ला भाई ने ये कहा, और ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए किस तरह ये स्ट्रगल करते हुए यहां तक पहुंचे कि कॉल सेंटर से इन्होंने अपनी करियर का आगाज किया। कॉल सेंटर में तो ये होता है कि सेल हो तो पे मिलती है, ना हो तो नहीं मिलती। ये उस सारे पीरियड से गुजरे और आज ये करोड़पतियों वाली वो एक एलीट क्लास वाली जो लाइफ है वो जी रहे हैं। मोटिवेशन इनसे हमें लेनी चाहिए, बड़ा मोटिवेट भी इन्होंने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मोटिवेट हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जो गिव अप करके बैठे हैं, क्योंकि सब्र का
दामन नहीं छोड़ना चाहिए और इन्होंने नहीं छोड़ा, आज वो कामयाब है। तो हर इंसान कामयाब होता है, अल्लाह हर इंसान को मौका देता है। तो ये हमारे परखने के ऊपर है, तो बस काम करते रहे, एक ही काम करते रहे, एक ही हुनर पे करते रहे जो आपके अंदर है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अपने मेजबान ज़ैन आसिफ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।